हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केले के इस्तेमाल करने से आप अपने चेहरे को गोरा, सुंदर और बेदाग बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या इसमें लेना होगा। दोस्तों, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट आपको इस पैक से मिलेगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज यानी कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है हमारा वो है बनाना। आपको पका हुआ बिल्कुल केला लेना है और ये केला जो है हमारी स्किन को जो एज की टैनिंग होती है उसको ख़त्म करता है, जो हमारी त्वचा जो है लूज हो गई है उसको भी टाइट करता है और साथ ही हमारी स्किन को वाइट करने का काम करता है। तो इसको करना क्या है, आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर भी इसको पेस्ट बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मैनुअल तरीका बिल्कुल सिंपल सा बताने वाली हूँ। तो हम इसमें इमाम दस्ते में डाल करके इसको मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो अपने मिक्सी में जार में कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव घरेलू नुस्खा है, इससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। पहली बार में ही आपकी त्वचा जो है इंस्टेंट ग्लो करने लगेगी। तो हमने इसको बना लिया है, इसको अपने बाउल में वापस निकाल लेते हैं। इसके बाद में हमें जो चीज़ इसमें ऐड करनी है दोस्तों, वो लेना है आपको एक चम्मच बेसन। बेसन भी हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से करता है साफ और चेहरे से दाग धब्बों को हटाता है, उसको क्लीन करता है। और उसके बाद में हमें लेना है हनी एक चम्मच। तो एक चम्मच इसमें हनी ले लेते हैं और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारा नुस्खा तैयार हो जाएगा। इससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि केला जितना खाने में हमारे शरीर को फ़ायदा देता है उतना ही हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद है। ये हमारे चेहरे को जो है शीशे की तरह चमकाएगा, चेहरे से डार्क स्पॉट हटाएगा, उसकी डलनेस हटाएगा। तो ये हमारा फेस पैक अब रेडी है। अब इसको लगाने का तरीका यह है कि आप अपने गर्दन पर या फिर अपने चेहरे पर, हाथों पर, कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लगाने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और सूखने के बाद में आपको इसको स्क्रब करते हुए हटाना है। फिलहाल ये मेरा सूखा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है, आप इस तरीके से कर लीजिए। हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर कीजिए इसे, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।